मैं रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। पुलिस बल आगे बढ़ रहा है, उधर से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। यह किसी ट्रेनिंग का नजारा नहीं है, यह धार जिले के खादन बुजुर्ग के पास आबकारी और पुलिस विभाग की टीम पर शराब माफिया ने हमला कर दिया है, वो भी गोफन पत्थर और तीर कमानों से हमला किया है। टीम इधर से अश्रु गैस के गोले छोड़ रही है, उधर से गोफन से हमला किया जा रहा है, पत्थरों से हमला किया जा रहा है। 5 घंटे आमना सामना होता है, शराब माफिया 5 घंटे बाद पीछे हटता है और वह भी पहाड़ी इलाके का फायदा उठाकर भाग निकलता है। टीम मौके पर पहुंचती है, 1800 किलो महुआ लहान जब्त कर मौके पर नष्ट किया जाता है, 800 लीटर हाथ भट्टी शराब के सामान जब्त किया जाता है। इसकी बाजार की कीमत, अनुमानित कीमत 7 लाख रुपए है। इस पूरी कार्रवाई में तकरीबन 16 से ज्यादा वाहन थे, 100 से ज्यादा लोग इस संयुक्त टीम का हिस्सा थे। 5 घंटे तक बदमाशों का और पुलिस और आबकारी विभाग की टीम का आमना सामना हुआ है। देखिए किस एसकेपी लाइव न्यूज पर रेणु अग्रवाल के साथ। रेली नहीं देखो क्या, मेरा बड़ा कैमरा है, तुम अपने बनाओ तो अभी देखो सही थोड़ी देर वो गोपन चला गया संदीप भट्ट तो हम चढ़ गए एक बार ऊपर, वहां से जो मारना चालू कर दो नीचे आकर गोपन चले गए। अरे गोपन तीन में से घुमा घुमा के दे रहे तो बम 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 बम, इतना बड़ा पत्थर निकला था कि कान के पास से तीर जा रहा संदीप कहाँ गया बोरिया इसकी माँ को चलो आज तो माही नदी में पानी के लिए भी काम हो रहा है। एक्साइज पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जॉइंट फोर्स वहां पे भेजा, लगभग 80 लोगों का बल था और जब कार्रवाई करने के लिए बल वहां पहुंचा मौके पे तो उसमें काफी प्रतिरोध का भी सामना दल को बल को करना पड़ा, क्योंकि जो शराब माफिया और जो इस तरीके के लोग थे उनके द्वारा काफ़ी जो है पथराव किया गया, अटैक किया गया और शराब को जो है जब्ती करने से रोकने का एक तरीके से प्रयास था। और फिर भी सभी ने हौसले से कार्रवाई की और सब ने मिल के इसमें जो है डटे रहे वहाँ पे और तत्काल हम लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया, कलेक्टर साहब और SP साहब के निर्देश पे और फोर्स वहाँ पे तत्काल मौके पे पहुँचा और उनके सहयोग से जब फोर्स और बढ़ गया तो अंततः जो पथराव था, जो उनका अटैक था या विरोध था कहना चाहिए, वो कम हुआ और वो लोग वहाँ से अलग हो पाए, भाग गए। तब विभाग के जो सभी दल थे मिलके उन्होंने फिर जब्ती की कार्रवाई कर पाए और इस कार्रवाई में अल्टीमेटली जब आखिरी में हम लोग कार्रवाई कर पाए तो लगभग 12,000 किलोग्राम महुआ लाहन मौके पे हम लोग जब्त किए, जो ड्रम में था अलग अलग, उसको नष्ट किया गया, मौके पे सैंपल लिए गए उसके, और लगभग 800 लीटर हाथ भट्टी शराब, कच्ची शराब जो महुए से निर्मित होती है, ये मौके से हमने जब्त करी है और इन सब का बाजार मूल्य लगभग 7 लाख रुपये